देश की राजनीति में कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता का ही असर है कि उनके बीमार पड़ते ही देश के तमाम सियासी चेहरे उनके सेहतमंद होने की कामना कर रहे हैं। लालू यादव की सेहत का हाल जानने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने लालू यादव का हाल पूछा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस दिन से लालू यादव अस्पताल में भर्ती हुए हैं उसी दिन से उनके सेहत की जानकारी लगातार ले रहे हैं। वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के संपर्क में बने हुए हैं, बल्कि आज उन्होंने लालू यादव के इलाज का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने लालू यादव की सेहत को लेकर चिंता भी जताई और आशा भी बढ़ाई कि शीघ्र ही लालू यादव सेहतमंद हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव को फोन कर लालू यादव की सेहत की पूरी जानकारी ली और तेजस्वी यादव की हिम्मत बढ़ाते हुए लालू यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बिहार की सियासत में चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, लालू यादव की सेहत को लेकर चिंतित दिखा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है। उन्होंने लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे अतिशीघ्र स्वस्थ हों। वहीं भाजपा के कई मंत्री लगातार अस्पताल जाकर लालू यादव की सेहत की जानकारी ले रहे हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उनकी हिम्मत भी बढ़ा रहे हैं। बता दें कि लालू यादव को बुधवार शाम 7 बजे एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली भेजा जाएगा। उनकी स्थिति को देखते हुए अब दिल्ली एम्स में उनका इलाज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।